जिला कांगड़ा के ऐतिहासिक किले में आज कटोच राजवंश के नए उत्तराधिकारी का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। रामनवमी के दिन ऐतिहासिक किले के अंदर विशेष समारोह में ऐश्वर्य चंद कटोच का कटोच वंश के नए महाराजा के तौर पर राज्याभिषेक हुआ। ऐश्वर्य चंद कटोच पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रेश कुमारी कटोच के बेटे हैं। 52 साल के ऐश्वर्य चंद राजवंश के 489वें राजा बने। बता दें कि ऐश्वर्य चंद की मां चंद्रेश कुमारी कांगड़ा जिले की धर्मशाला सीट से विधायक और फिर हिमाचल सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। चंद्रेश कुमारी जोधपुर के महाराज हनवंत सिंह की बेटी है और उनकी शादी कांगड़ा के राजा आदित्य देवचंद कटोच से हुई थी। मैं आपको बताऊं, कांगड़ा किले में 400 साल के बाद ये रस्म पूरी हो रही है, क्योंकि जो लास्ट राजा हरिचंद्र नंबर जो द्वितीय थे उनका राज तिलक क्या हुआ था 1614 में, और उसके बाद हमारे मुगलों के साथ झगड़ा हुआ था तो 1620 में हार गए थे किले को मुगलों को। तो उसके बाद से हम राजधानी बदलते रहे। महाराजा संसार चंद भी जहाँ पैदा हुए थे बीजापुर में, उनका राज तिलक वहाँ हुआ। तो कांगड़ा में जो राज तिलक है वो 400 साल के बाद आज हो रहा है। एंड इसका जो महत्व है, देखिए हम डेमोक्रेसी में हैं एंड बहुत प्राउड हैं इंडिया से और बहुत प्राउड हैं डेमोक्रेसी से। बट जैसे गाँव में और आप सबके घरों में दिवाली होली मनाते मनाई जाती है, तो ये हमारी भी एक रस्म है। इसमें एक मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि कोई रजवाड़ा शाही वापस शुरू हो रही है या हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, बट ये हमारी एक परंपरा है, हमारे जो बिरादरी है उसकी परंपरा है और उसमें रिकग्नाइज होना पड़ता है। अब मेरे फादर की 1.5 साल पहले देहांत हुआ था, तो वो देहांत हुआ उनके बाद, वो पहले राजा थे, अब मैं राजा बना हूँ, तो 1 साल के बाद ही हम ये सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि 1 साल हम शोक में रहते हैं, तो 1 साल के बाद ये सेलिब्रेशन होता है, इसलिए फिर ये हमने आज इसको, और नवमी का दिन था, बहुत अच्छा दिन है, तो इसलिए हमने आज डिसाइड किया कि ये करने के लिए। हाँ, जनप्रतिनिधि बनते हैं, अगर कोई पार्टी या कोई सरकार हमें कोई ऐसा कोई दायित्व देती है करने के लिए तो हम उसमें बिल्कुल तैयार खड़े हैं करने के लिए, बट जितना पब्लिक के लिए हम कर सकते हैं अपने खुद के दम से वो हम करते हैं। देखिए, लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि जो राजवंश हैं उनके अंग्रेज़ जाने के बाद या डेमोक्रेसी बनने के बाद उनका चैप्टर ख़त्म हो गया। चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, हम अभी भी ज़िंदा हैं, हम अभी भी हैं, पब्लिक के लिए हैं, यहाँ लोगों की सेवा के लिए हैं, और जो हम हमारी जो परंपरा है, जो हमारे कल्चर्स हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो हम कंटिन्यू रखेंगे। उसमें कोई मतलब, इट इज़ नॉट अगेंस्ट डेमोक्रेसी बट इट इज़ अबाउट कीपिंग आर कल्चरल लाइफ। नहीं, आपको इसको 20 साल पहले देखना चाहिए था, ये 20 साल पहले और भी ज़्यादा खंडर था। अब ये जो रिपेयर हुई है, गवर्नमेंट ने कराई है, ASI वाले इसको काम कर रहे हैं, म्यूजियम बन रहे हैं, फैसिलिटीज़ बनती हैं यहाँ पे, जैसे बाथरूम्स बनते हैं लोगों के टूरिस्ट के आने के लिए, तो उससे टूरिज्म इंक्रीज ही होता है। जितने लोग आएंगे वो उतना बेनिफिट होगा। अब किले के बिल्कुल बाजू में मेरा म्यूजियम खुद का है, पर्सनल म्यूजियम है, तो उससे टूरिज्म बढ़ता है, उससे लोग आते हैं। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निपी की रिपोर्ट।